मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी आपको आपके सामने रखता हूं कि वो कौम है जिधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वो क्यों ज्यादा खुशहाल होती हैं, और वो कौमें जिधर जंगल का कानून होता है, जिधर ताकत की हुक्मरानी होती है, वो क्यों पीछे रह जाती हैं। मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूं, डेनमार्क और पाकिस्तान। डेनमार्क इस वक्त वो मुल्क है जो 140 मुल्कों के अंदर जिस जिधर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर डेनमार्क नंबर वन है। पाकिस्तान 129 पे है। 40 140 मुल्क में पाकिस्तान का नंबर रूल ऑफ लॉ पे 129 है और डेनमार्क का एक नंबर पे सबसे आगे। करप्शन इंडेक्स के जिधर जिधर रूल ऑफ लॉ है वहां सबसे कम करप्शन है, जिसमें फिर डेनमार्क 180 मुल्कों में नंबर वन है। यानी सबसे कम करप्शन 180 मुल्कों में डेनमार्क में है, क्योंकि वहां इंसाफ है। और पाकिस्तान 180 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान है 140 पे। अब इसको ले लें कि खुशहाली की खुशहाली, हम कितने खुशहाल हैं, वो कितने खुशहाल हैं। पाकिस्तान की जो औसत आमदनी है, पाकिस्तानियों की औसत आमदनी है, वो है $1,600। डेनमार्क की औसत आमदनी है $66,600। हम हैं $1,600 पे, वो $66,600 पे। तो जो जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो खुशहाल होते हैं। वहां के लोगों को मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वो बेचारे किश्तियों के अंदर दरिया क्रॉस करते हुए मरते नहीं हैं, यूरोप जाते हुए या खुशहाल मुल्कों में जाते हुए, अगर वो अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी ले। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है वो हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, हमारी आईन पे है, हमारी कानून की हुक्मरानी पे है। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं कि मैंने जब अपनी गवर्नमेंट्स कराई, अपनी डिजॉल्व की गवर्नमेंट्स पंजाब के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर, तो हमने क्यों डिजॉल्व की? हमने बड़े बड़े वकीलों को सबको बिठाया, नामवर वकीलों को बिठाया, और हमने उनसे पूछा कि कोई गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल में आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, जिस वक्त आप डिजॉल्व करते हैं उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक एक वकील, कानून का माहिर, सबका एक जवाब था कि 90 दिन के बाद आप इलेक्शन अगर नहीं करवाते तो आप आइन की वायलेशन करते हैं, आप आइन तोड़ देते हैं। सबकी ये थी। हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। कोई अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीफ में किसी ने कुर्बान की है? हमने कर दी। क्योंकि क्योंकि हम ये समझते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं कि जो ये नहीं समझता, अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल है, सारे लोग एक ही चीज समझते हैं कि ये जो हमारा माशी बुरान है जिसमें हम धसते जा रहे हैं, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हमारा रुपया 100 रुपए से ऊपर डॉलर के मुकाबले में गिर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, टैक्स कलेक्शन गिर रही है, यानी हर तरह हम नीचे जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई का ये हाल है कि कभी मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान में आटे के या राशन की डिस्ट्रीब्यूशन पर लोग इस तरह मरे, जो हमारे जो हम सीन्स देख रहे हैं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, यानी मईशत नीचे चली गई है। इसको ठीक करने के लिए जब तक इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, यह मईशत उठने नहीं लगी, ये गिरने लगी है। तो हमने अपने मुल्क का सोचते हुए हमने अपनी गवर्नमेंट्स रिजॉल्व कर दी। पता था कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। अब जी ये जो तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में, और मैं अब आता हूं, ये जो पीडीएम की पार्टीज ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं, यानी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है जो फैसला करती है, यानी हर चीज का, जब आप जिधर भी अपील जाती है वो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है,
तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानेंगे तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है कि जब आपको फैसला सूट करेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको खतरा कि फैसला आपके मफादात के खिलाफ जा रहा है और इधर आप सबको खौफ हुआ हुआ है कि इलेक्शन आए तो आप सबकी सियासी मौत नजर आ रही है, तो इसलिए जो भी कुछ किसी तरह करें बेशक आइन 90 दिन की डेट दे, लेकिन क्योंकि आपको डर लगा हुआ है कि पंजाब और सिंध में आप बुरी तरह हारने लगे हैं, तो आप आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट का तो काम है आइन की इंटरप्रिटेशन करना। सुप्रीम कोर्ट वो रखवाली वो इदारा है जो आइन की प्रोटेक्शन देता है, जो आइन की एक्सप्लेनेशन देता है, जिसके पास जब जाते हैं अगर हमने समझना हो कि आइन आइन की क्या इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ये लोग इकट्ठे होके खौफ ज़दा होके इलेक्शन से, और इलेक्शन में खौफ आ रहा कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। आप इसके एक कदम आगे चले जाएं, इसका मतलब कि जब फैसला आपको सूट करेगा तो वो ठीक है, जब यही जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया जब मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व की और इलेक्शंस करवाए, यानी मेरा जुर्म क्या था, मैंने कहा पब्लिक को फैसला करने दो, बजाय ऑक्शन हो सिंध हाउस में 20-20 करोड़ में लोग अपने जमीर बेचें और इस तरह गवर्नमेंट कराएं, पब्लिक से पूछ लें पब्लिक किसको चाहती है, इलेक्शंस करवा लें। तो मैंने इलेक्शंस अनाउंस किए कि जमहूरियत के अंदर बेस्ट तरीका यह है कि अवाम फैसला करे कि कौन चाहते हैं वो ऊपर बैठने के लिए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया और फैसला हमारे खिलाफ किया। आप सारा वक्त उस वक्त उठा के देख लें, मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक के खिलाफ बात नहीं की। मुझे तकलीफ किस चीज़ की हुई कि रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हम पता नहीं कितना बड़ा कुछ जुर्म करने जा रहे हैं, तकलीफ मुझे उसकी हुई, लेकिन मैंने ना जजेस की फैमिलीज ना उनके ऊपर मैंने कभी कोई तनकीद नहीं की, ना मेरी पार्टी को हुक्म था कि किसी ने तनकीद नहीं करना। अब वही सुप्रीम कोर्ट जब सुओ मोटो एक्शन लेता है और इनको खतरा के इनके अगेंस्ट फैसला जाएगा, और फैसला क्या अगेंस्ट कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, या बच्चे बच्चे को पता है, छोड़ें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बड़े जहीन और उनकी कैलिबर और है, आप किसी मैजिस्ट्रेट से पूछ लें जो भी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख है, एक डिक्टेटर ने 90 दिन के इलेक्शन कह के 11 साल तक हुकूमत की थी, तो लोगों के जहन में वो पड़ा हुआ है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। अब मेरा अगला सवाल ये कि क्या ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए, और मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, ये अक्टूबर तक तब लेके जाएंगे जब इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान जेल में हो या ख़त्म हो या पार्टी को ये पकड़ धकड़ के कर दें, इनका ये सिर्फ सोच है कि इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे आज ये बता दें, एक वजह बता दें कि आप इलेक्शन अक्टूबर में क्या होगा जो आज नहीं है, मुझे ये बता दें कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, मुझे एक वजह बता दें, इकॉनमी बैठ रही है ना, बाहर के लोगों को कोई इतमाद रह गया इनके ऊपर, ना पाकिस्तान के लोगों को इस गवर्नमेंट पे कोई इतमाद है, हालात जब मैं आटे की लाइन के ऊपर जिस तरह लोगों के हालात हैं, ये सारी कौम को पता है क्या हो रहा है, और ऊपर से जो महंगाई की लहर अभी आ रही है, और महंगाई अभी तो IMF का फंसा हुआ कि IMF के पास साथ जाना या नहीं जाना, डर यह कि IMF के साथ जाएंगे तो मजीद और महंगाई आएगी, लेकिन IMF के साथ अगर नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट नजर आ रहा है, तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए हैं। तो अगर तो ये हमें ये बता दें कि आप अक्टूबर से पाकिस्तान को क्या फायदा है, इनको तो फायदा नजर आ रहा है कि ये समझ रहा है कि इलेक्शन डिले से शायद इनकी कोई किस्मत जाग जाए, शायद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई जो भी कर दें, शायद पार्टी PTI को दबा दें, इसके अलावा तो मुझे एक वजह बताएं कि अक्टूबर इलेक्शन का क्या फायदा पाकिस्तान को। दूसरी चीज, मैं ये सवाल पूछता हूं कि पाकिस्तान की आइन बड़ा क्लियर है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और उसके बाद उनके
कौम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड नुमाइंदों के पास है सॉवरेंटी। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो ख़त्म हो जाना 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? क्या हैसियत रह जाएगी पंजाब हुकूमत की? ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, एक आदमी, नैबजदा आदमी, जो सख्त दुश्मन है हमारा, जिसने जिस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे खिलाफ की, मुझे आज सारी ज़रा केयर टेकर की तारीख उठा के देखें, कभी किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किया? हमारे इस वक्त पख्तूनख्वा में और ज़्यादा पंजाब में और इस्लामाबाद में 3100 लोग जेलों में हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं 3100 जेलों में पकड़े हुए हैं इन्होंने, हर रोज़ लोग उठा लेते हैं, खौफ फैलाया हुआ है इन्होंने, इतना खौफ है कि सब सरों को डराया हुआ है कि हम किसी के घर पहुंच जाते हैं, बाहर पुलिस पहुंच जाती है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। तो ये चाहते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने चुन के उन ऑफिसर्स को रखा है जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया था, जिनके ऊपर हमने केसेस भी किए हुए हैं, उनको चुन के इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर मुसलत किया, और वो इस वक्त वो कर रहे हैं जो मैंने पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में कभी ऐसे देखा नहीं है। एक तरफ वो नून लीग, उनके जो लोग हैं वो कैसे फिर रहे हैं, वो जलसे करते फिर रहे हैं, पुलिस प्रोटोकॉल मिल रहा है, दूसरी तरफ हर रुकावट हमारे सामने, अगर हम परमिशन लेके भी रैली कर रहे हैं जो हमने 8 मार्च को की, उसके ऊपर भी पहले पुलिस आ गई, फिर पता चला जनाब 144 लग गया, और वो भी अनाउंस किया, और फिर पता चला वो भी गैर कानूनी 144 लगाया, और तब तक इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग, मार धाड़, और ये तासुर देने की कोशिश की। और उसके बाद 14 मार्च आ गई, उसके बाद 15 मार्च को मेरे घर पे हमला, 18 मार्च को घर पे हमला कर दिया, और तासुर ये दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इंतजार फैला रही है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो इंतजार क्यों चाहेगी? जो पार्टी चाह रही है अपनी गवर्नमेंट्स कुर्बान कर दिए इलेक्शंस करवाने के लिए, वो इंतजार क्यों चाहेंगी? इंतजार तो वो चाहेंगे जो जो जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, जिनको खौफ आ रहा है इलेक्शन से, वो चाहेंगे हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्शन ना हो, जो आप देख रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे प्रेशर डाला हुआ है, सिर्फ एक मकसद है कि इलेक्शन ना हो। तो इलेक्शन से भागते हुए उन लोगों ने हमारे ऊपर जो तशद्दुद करवाया इस मोहसिन नकवी के जरिए, जिस तरह इन्होंने हमारे ऊपर, यानी लोगों को पकड़, किसी पॉलिटिकल प्रिजनर के ऊपर, आज का पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं, अंग्रेज की तारीख उठा लें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर भी कभी ऐसे किया गया कि उनको टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया? यहां हमें लोग पकड़ते हैं, मैंने इंटरव्यू किया जो लोग छुटे हैं बाहर, वो क्या कहते हैं जी, पहले तो पुलिस उठा के ले जाती है, उसके बाद कहते हैं पुलिस से कोई कंप्लेंट नहीं है, नामालूम अफराद आ जाते हैं और नामालूम अफराद बाद में तशद्दुद करते हैं उन पर। जिससे हमने पूछा, आजम स्वाती, शबाज गिल, अभी हसन नियाजी, सोशल मीडिया के लोग, वो सारे एक ही बात करते हैं कि उठा के ले जाती है पुलिस, उसके बाद हवाले कर देती है नामालूम अफराद के, और वो ऐसा, यानी हमारे लोगों को ऐसे रखती है जैसे कोई हम दहशतगर्द हैं। वो लोग जो है जो इलेक्शन चाहते हैं उनके ऊपर पहले उनके ऊपर इंतजार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, उधर से उन्हीं को उठा के उन्हीं के ऊपर FIR और फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। तो क्या ये लोग, अब ये जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड नहीं है, क्या इसको यहां बैठाएंगे आप अक्टूबर तक, और अक्टूबर पे इनकी क्या हैसियत होगी? आप सोचे, ये फंड्स दे रहे हैं लोगों को, ये वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी केटेगर गवर्नमेंट ने नहीं किया, जुल्म लैदा, ये और भी चीजें जो कर रहे हैं वो कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी केटेगर गवर्नमेंट ने नहीं की। तो ये जो इनके लिए तो याशी होगी कि हमने गवर्नमेंट गिराई सोच के 90 दिन में, इन्होंने अपने लोग मुसलत कर दिए ऊपर, सारी उधर फजल रहमान की हुकूमत है, इधर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी चुन के वो लोग हैं
जो इनको पता है कि सख्त हमारे मुखालिफ है और उनके जरिए ये क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के लोगों को जिस तरह आप ये पकड़ पकड़ के उठा रहे हैं, अखवा कर रहे हैं। अज़हर माशवानी 8 दिन 7 दिन के लिए गायब हो गया, उसकी फैमिली मेरे पास, बहन आई मेरे पास, बीवी आई, भाई आया, वो हैरान परेशान कि जी किधर गायब हो गया, सब खौफजदा कि कहीं मार ना दें। ज़िले शाह की तरह, ज़िले शाह को भी पकड़ के पहले उठा के ले गए और उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद कर उसकी डेड बॉडी फेंक दी सड़क के किनारे पर। तो ये सोशल मीडिया के लोगों क्यों पकड़ रहे हैं? ये इसलिए पकड़ रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने, जब से हमारी हुकूमत गई है, मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया, हमें मीडिया का ब्लैकआउट करवा दिया, जो चैनल्स हमें दिखाती थी उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, उन चैनल्स के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि आज कोई भी चैनल ना मुझे दिखाती है ना या हमारा मौकफ दिखाती है। जब इन्होंने हमारा सारा मीनार पाकिस्तान, जो तारीखी जलसा हुआ, जो इतनी ज़्यादा रुकावटें, पहले लाहौर भी सील कर दिया, अंदर से भी मीनार पाकिस्तान सील कर दिया, उसके बावजूद जब पब्लिक निकलाई, इन्होंने TV पर ब्लैकआउट करवा दिया। और किसने दिखाया? सोशल मीडिया ने। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन ये है कि चले मेन मीडिया में तो बंद कर दिया, अब सोशल मीडिया भी बंद करें। और मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूँ कि क्या ये जो सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, अभी भी हमारे कराची के सोशल मीडिया के लोग गायब हैं, जो बलूचिस्तान से, क्वेटा से उठाया गया, उसको क्या उन्होंने किया पकड़ के कि वो आके कहता जी मैं तो किसी पार्टी के साथ ही नहीं हूँ? क्योंकि कोशिश तो यही हो रही है कि तरीके इंसाफ से लोगों को दूर किया जाए, वही कि हमें कमज़ोर किया जाए और आखिर में जब बिल्कुल कमज़ोर हो जाए तो तब इलेक्शन करवा दें। तो सारी गेम तो ये है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो हो रहा है सब कुछ, ये जो PDM का है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है कि इलेक्शंस तब होंगे जब PTI क्रश हो जाएगी। ये नटशेल में सब कुछ हो रहा है। और यही सारा जो मेरे घर पे जो इन्होंने अटैक किया, और मैं ये कह दूं कि मैं अदालत में जा रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि हमने वकीलों के साथ बैठ के कि सारा प्रोसीजर इनका गलत था, जो इन्होंने मेरे घर आके 14 को 26 घंटे अटैक किया, हज़ारों पुलिस रेंजर्स, बत्तरबंद गाड़ी, यानी जिस तरह कोई कितना बड़ा दहशतगर्द छुपा हुआ है, सारा अटैक गैर कानूनी था। हमने एक एक चीज़ देखी है कि इन्होंने कोई भी चीज़ पूरी नहीं की। अगर किसी को वारंट गिरफ्तारी देना भी है तो उसका तो तरीका लिखा हुआ है कानून के अंदर, कुछ नहीं किया इन्होंने। जब और ख़ास तौर पर जब एक अदालत में लेके जाना था, तो पहले ही मैं कह रहा था मैं अदालत में जा रहा हूँ, तो अगर मैं अश्योरिटी बॉन्ड दे देता है मेरा वकील, तो ये अरेस्ट नहीं कर सकते थे। ये जान के इन्होंने वो अश्योरिटी बॉन्ड ही नहीं लिया, ताकि इन्होंने जब इतना अटैक करके मुझे उठाना था यहाँ से और उठा के जेल में ले जाना था, और उसके बाद एक के बाद दूसरा केस है, 140 केसेस हैं, तो जो भी कभी कौन सा केस, तो एक तब तक मुझे जेल में रखना था जब तक इलेक्शन हो। और जो मेरे कारकुनों को बिल्कुल ठीक जायज़ ख़तरा था कि ये असल में मारने के चक्कर में है, क्योंकि ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो पहले मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया था, और इन्होंने फिर JIT का सारा रिकॉर्ड ख़त्म किया। अगर तो ये ना मुलव्वस होते कातलाना हमला में, तो JIT का रिकॉर्ड क्यों, किसने तबाह किया? कौन सी इतनी बड़ी ताकत थी कि JIT का रिकॉर्ड ख़त्म कर दो? इसलिए लोग डरे हुए थे कि यहाँ से उठाएंगे, जान खतरे में है, और कितनी देर जेल में रखते हैं, मकसद क्या है? कोई गवर्नमेंट को तो कोई ट्रस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जुराइम पेशा लोगों की गवर्नमेंट है। तो मैं आखिर में मैं अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं सारी कौम को तैयार करना चाहता हूँ एक चीज़ पे। देखें, एक कौम की ज़िंदगी में ना ऐसे ऐसे टाइम आ जाता है जिनको डिफाइनिंग मोमेंट्स कहते हैं, फैसला कौन वक्त। इस वक्त कौम को खड़ा होना चाहिए कानून और आइन के साथ। कानून और आइन के साथ बड़ा वाज़े है कि इस वक्त 90 दिन की इलेक्शन कानून और आइन कहता है। हमने अपनी गवर्नमेंट्स 90 दिन के जो आइन की शिक है उसके मुताबिक डिसॉल्व की थी। अब इससे जो निकल रहे हैं ये इतना ख़तरनाक है, क्योंकि ये 90 दिन का कह के 11 साल हो चुका है पाकिस्तान से। भाई क्यों अक्टूबर में क्यों इलेक्शन हो? अगर आज पैसे की कमी हो तो अक्टूबर में ज़्यादा कमी हो सकती है। अगर आज सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है
कोई फिक्र नहीं, तीन चार धमाके करवा के अक्टूबर में भी ठीक नहीं होगा तो वो और आगे चला जाए। तो इसका तो कोई, इसका तो कोई आखिर ही नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं आइन से तो कानून तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने इस्तेमाल करनी है और कौन सी रद्द कर देनी है, जंगल का कानून बन जाता है। तो जंगल का कानून मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि डेनमार्क और पाकिस्तान, यहाँ के वसाइल देख लें, डेनमार्क के वसाइल देख लें, डेनमार्क के पास है ही कुछ नहीं, ये मुल्क भरा हुआ है वसाइल से। उनकी 68,600 डॉलर उनकी औसत आमदनी है और यहाँ हमारी है 1,600 डॉलर, क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सियासत रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था, रूल ऑफ लॉ कायम किया था, उसके बाद खुशहाली आई थी, पहले रूल ऑफ लॉ फिर खुशहाली। डेनमार्क और पाकिस्तान सामने आपके, वो खुशहाल मुल्क है, यहाँ गरीब मुल्क है, वसाइल यहाँ ज़्यादा है क्योंकि जंगल का कानून है। और ये आपके सामने जो हो रहा है, जो पीडीएम ने किया है, ये जंगल का कानून है। इसी नवाज शरीफ ने जो लंदन में एक मफरूर सजाए याफ्ता वहाँ बैठ के फैसला कर रहे हैं कि जी हम ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब हैं कौन नहीं मानेंगे, इसी नवाज शरीफ के पास जब कंटेम्प्ट इसके ऊपर लगने लगी थी जस्टिस सजाद अली शाह ने, तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि इसकी कोई तारीख नहीं मिलती दुनिया में कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। और ये जो फिर आखिर में जो जजेस को ख़रीदा गया क्वेटा बेंच को, इन्होंने पैसे चलाए थे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के ऊपर पैसा चल रहा है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। और मैं जानता हूँ दोनों तरफ ऐसे जजेस हैं जिनकी बड़ी हाई रेपुटेशन है इस मुल्क में, रिस्पेक्ट है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ कि सारी ज़िंदगी इसने रिश्वतें दे दे के, इसने लोगों को ख़रीद के, धमका के, डरा के, माफिया स्टाइल, जो जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया, ये माफिया ऑपरेशन होता है। जो जज को करना, टेपें बना लिया उनके ऊपर, कभी टेप रिलीज़ कर दी, कभी फैमिली पे अटैक कर दिया, पॉलिटिशियन नहीं पसंद तो ऊपर से जहाज से तस्वीरें नंगी फेंक दी, जो किताब लिखवा दी किसी के ऊपर, ये वो लोग हैं, माफियाज हैं ये वो लोग, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये मैं आखिर में बात करता हूँ, इंटरेस्ट क्या है इनका, इंटरेस्ट है पहले दो, इन्होंने पैसा चोरी किया, उसके लिए इदारे कमज़ोर किए, क्योंकि अगर मजबूत इदारे हों आप पैसा चोरी नहीं कर सकते और लॉन्डर नहीं कर सकते बाहर, पहले उनको कमज़ोर किया इदारों को। उसके बाद NRO लेने के लिए फिर दूसरी जद्दोजहद की, उसके लिए हर किस्म की इन्होंने जोर लगाया NRO लेने का, बिरूनी साजिश में मिलकर इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, NRO लेने के लिए वो ले लिया। अब सारी कोशिश क्या है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को बाहर रखो ताकि NRO बच जाए इनका, ताकि जो इनको 1100 अरब रुपए के अपनी चोरी इनको माफ़ कर दी गई थी, वो डर लगा हुआ है कि वो आ गया तो शायद वो फिर से ख़तरे में पड़ जाए। तो इनका मकसद पाकिस्तान नहीं है, ये तो बैठे बाहर हैं, अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है, इनको क्या फिक्र कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग आटे की लाइनों में बेचारे मर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी वो है जो इनका पैसा बचा सकती है, वो पाकिस्तान के लोगों की, अवाम के मफादात की हिफाजत नहीं करेगी। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। तो आज पाकिस्तानी कौम में आप सबको कहता हूँ, ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं उस वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू, ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने मानना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि आप तैयार रहो, अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पर निकलना चाहिए। मैं वकला को ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं, कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप सबको आज कहता हूँ कि ये असल में हकीकी आज़ादी की जहाद है। आज़ादी आती है इंसाफ से, इंसाफ आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।
इस वक्त कोई फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में नहीं है। ये जो 3100 हमारे वर्कर्स पकड़े हैं, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता कि आप पकड़ के उनको अफवाह करके जेलों में डाल लें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो एक दफ़ा ये इस जिस तरफ निकल गए, यहाँ मुझे अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं रहेगा, किसी को भी कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।